So hello foodies, how are you? Hope you all are good. My name is Marjina Banu and welcome back to my channel Foods Curious. तो गाइस मैक्रोनी खाना किसे पसंद नहीं है या पास्ता खाना किसे पसंद नहीं है, स्पेशली बच्चों को. बच्चों को मैक्रोनी और पास्ता खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है. तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैक्रोनी की एक लाजवाब रेसिपी, चीज़ मैक्रोनी. या आप इसको चीज़ पास्ता भी बना सकते हैं, सेम रेसिपी है, आप दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हमारी चीज़ मैक्रोनी बनाना स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम मैक्रोनी को बॉईल करेंगे. उसके लिए हमने यहाँ पे पानी गरम रख दिया है और अब इसके अंदर एक चम्मच नमक और थोड़ा सा हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे. ऑयल हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो हम इसके अंदर मैक्रोनी ऐड करेंगे वो चिपके नहीं एक दूसरे से, उनमें चिपचिपाहट ना रहे, एकदम खिली खिली उबले, इसलिए हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे. इसको मिला लेंगे और उबलने देंगे पानी को. ये देखो पानी में उबाल आ गया है. इसके अंदर मैक्रोनी ऐड करेंगे. मैक्रोनी हमने यहाँ पे 300 ग्राम ली है और इसको हम 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे उबलने देंगे मैक्रोनी को. इन अदर हैंड हम यहाँ पे एक पैन ले लेते हैं और इसके अंदर हमने यहाँ पे 2-3 टीस्पून ऑयल ऐड किया है. और ऑयल ऐड करने के बाद में हम यहाँ पे गार्लिक ऐड करेंगे 2 टीस्पून फाइनली चॉप्ड, और साथ ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज जो कि हमने यहाँ पे 5 से 6 कट करके रखी है, फाइनली चॉप वाइट कर देंगे और हम इसको 1 मिनट तक सोटे होने देंगे. तो ये देखिए 1 मिनट हो गए हैं. अब हम इसके अंदर अनियन ऐड करेंगे जो कि हमने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के कट करके रखे हैं, वो ऐड कर देंगे और इसको हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि जो हमारे अनियन है उनका कलर ब्राउन नहीं हो जाता. हमें इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना है. तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, हमारे जो अनियन है उनका कलर ब्राउन हो गया. अब हम इसके अंदर हमने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के टोमेटो की प्यूरी बना के रखी थी वो ऐड कर देंगे और इनको मिला लेंगे अच्छी तरीके से. इसके बाद में हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे. हमने यहाँ पे 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और 1/2 टीस्पून ही हमने यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है. इसको मिला लेंगे अच्छी तरीके से और इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे. पानी ऐड करने के बाद में हमें इसे पकाना है 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे जब तक कि जो हमारा पानी है वो सोख नहीं ले. तो ये देखिए हमारे जो मैक्रोनी है वो भी उबल के तैयार हो गए हैं. हम इसको बंद कर देंगे गैस को और एक मैक्रोनी निकाल के और इसको हम कट करके देखेंगे नाइफ से. तो ये देखिए इजीली कट हो रहा है, मतलब हमारी मैक्रोनी भी उबल चुकी है. तो चलिए अब हम मैक्रोनी को धो लेते हैं ताकि इसमें से जो सॉल्ट और ऑयल है वो अच्छे तरीके से निकल जाए. तो ये हमने डाल लिया है इसके अंदर और इसको धो लेंगे पानी से अच्छे तरीके से. और अब हम इसको रख देंगे साइड में ताकि जो पानी है वो निकल जाए. और ये देखिए अब 3 से 4 मिनट हो गए हैं और पानी भी सूख गया है. तो अब हम इसके अंदर कैप्सिकम ऐड करेंगे. हमने यहाँ पे थोड़े से लंबे लंबे कैप्सिकम कट किए हैं. हमने यहाँ पे 4 बड़े साइज़ की कैप्सिकम कट करके ऐड किए. इसको मिला लेंगे अच्छी तरीके से और इसको हम 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे. तो ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं और अब हम इसके अंदर सॉसेस ऐड करेंगे. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 टीस्पून सोया सॉस लिया है और 1 टीस्पून ही हमने यहाँ पे विनेगर लिया है और 2 टीस्पून हम यहाँ पे रेड चिली सॉस और 2 टीस्पून ही हम यहाँ पे ग्रीन चिली सॉस ऐड कर रहे हैं. अब इनको मिला लेंगे अच्छी तरीके से और इनको मिलाने के बाद में हम यहाँ पे 4 टीस्पून टमेटो केचप ऐड करेंगे. कैन एड मोर एंड लेस एज पर योर टेस्ट. मिक्स इट वेल. अब हम यहाँ पे 1 टीस्पून ही ओरिगेनो और 1 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और इनको भी मिक्स कर लेंगे. अब हम यहाँ पे पास्ता मसाला ऐड करेंगे. ये देखिए हमने यहाँ पे 1 टीस्पून पास्ता मसाला ऐड कर दिया है. आप चाहो तो यहाँ पे आप कोई सा भी पास्ता मसाला ऐड कर सकते हैं. मिक्स इट वेल और इसको मिलाने के बाद में अब हम यहाँ पे चीज़ क्यूब्स क्रिएट करेंगे. हमने यहाँ पे 3 चीज़ क्यूब्स क्रिएट करी है. आप चाहो तो ज़्यादा भी कर सकते हो.
लेकिन कम मत करना, क्योंकि हम चीज़ मैक्रोनी बना रहे हैं और चीज़ तो होना ही चाहिए, और इस चीज़ से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये हम यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं और इसको मेल्ट होने देते हैं। तो ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं, हमारी चीज़ भी मेल्ट हो गई है। अब हम इसके अंदर मैक्रोनी ऐड करेंगे हमारी, और इसको ऐड करने के बाद में हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी चीज़ मैक्रोनी एकदम बनके तैयार है। अब हम इसके ऊपर एक और चीज़ क्यूब क्रिएट करेंगे ताकि इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए हमने एक और चीज़ क्यूब क्रिएट कर दी है यहाँ पे, और अब हम इसको 2 मिनट तक ढक के रख देंगे लो फ्लेम पे, ताकि जो हमारी चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं, हमारी चीज़ मेल्ट हो गई है और हमारी चीज़ मैक्रोनी एकदम बनके तैयार है। आप देख सकते हैं देखने में हमारी चीज़ मैक्रोनी कितनी चीज़ी लग रही है। हमने इसमें बहुत सारा चीज़ डाला है, और आप सेम मेथड से चीज़ पास्ता भी बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारी चीज़ मैक्रोनी कितनी टेस्टी लग रही है दिखने में। So thank you so much for watching my video. If you like this video, give a big thumbs up and share with your families, with your friends, and do not forget to subscribe my channel and press the bell icon. और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप भी बना के ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि जो आपकी चीज़ मैक्रोनी है वो कैसी बनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।